जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी बाबा की। तो मित्रों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि 7 अक्टूबर 2022 को प्रदोष का दिन पड़ रहा है। यह प्रदोष का दिन बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इस दिन भगवान शिव की थोड़ी सी भी आराधना कर लेते हैं तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे और आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। मित्रों, यह दिन साल में बहुत कम ही आता है और अगर आप इस दिन इस विशेष उपाय को कर लेते हैं तो आपके सारे कष्ट, सारी समस्याएं, सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। मित्रों, अगर आपके घर में पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या है या आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका आपको कोई निराकरण नहीं मिल पा रहा है या कोई ऐसी समस्या है जो आप किसी को नहीं बता सकते हैं और वो समस्या आपको जल्द से जल्द ठीक करवानी है तो इस प्रदोष के दिन या एक विशेष उपाय अवश्य कर लें। तो करना क्या है, उपाय को ध्यान से सुनिए और समझिए। मित्रों, आपको 5 हरी इलायची को लेना है। ध्यान रहे, इलायची कहीं से कटी फिटी नहीं होना चाहिए। इलायची साफ एवं स्वच्छ होनी चाहिए क्योंकि इलायची धन खींचने का काम करती है, वैभव खींचने का काम करती है और भगवान शिव को इलायची बेहद प्रिय होती है। इसके बाद आपको एक लोटा तैयार करना है और उसमें शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लेने के बाद आपको एक दीपक लेना है। दीपक आटे या मिट्टी का किसी का भी ले सकते हैं। दीपक में गाय के शुद्ध घी को भर लेना है और इन तीनों चीजों को लेकर आपको शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है। मंदिर पहुंच जाने के बाद सबसे पहले जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं उसे शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आपको जो आप इलायची लेकर गए हैं इन 5 इलायची को अपनी कष्ट, अपनी समस्या बोलते हुए शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद जो आप दीपक लेकर गए हैं उसे शिव जी के मंदिर के चौराहट पर रखकर जला देना है क्योंकि मंदिर के चौराहट पर सभी देवी देवता निवास करते हैं और आप वहां पर दीपक जलाते हैं तो सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा आप पर बरसाएंगे। अगर आप इन उपाय को पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा से करते हैं तो निश्चित ही आपके सारी कष्ट, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और इस उपाय को करने में आपसे जो भी समस्या आती है वह आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया उपाय आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।